नमस्कार किसान साथियों, किसान साथियों स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एग्रो लाइफ में। किसान साथियों आज हम बात करने वाले हैं कपास यानी नरमे की फसल में लगने वाली पिंक बोलवर्म यानी गुलाबी सुंडी के बारे में कि यह किस तरह से कपास की फसल को नुकसान पहुंचाती है और किस अवस्था में कौन सी स्प्रे का छिड़काव करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो आने पर आपको पता चल सके। कपास में पिंक बोलवर्म यानी गुलाबी सुंडी कपास की फसल को नुकसान पहुंचाने वाली सबसे खतरनाक कीट है, जिसका नियंत्रण कपास के अंतिम चरणों में करना बहुत कठिन हो जाता है। शुरुआती अवस्था में इस कीट के जो प्रोड होते हैं वो फूलों के ऊपर कपास की फसल के ऊपर मंडराते रहते हैं और फूलों के अंदर और पत्तियों के ऊपर लगभग 150 से 200 अंडे देती है और अंडों से एक हफ्ते बाद कीट निकल जाते हैं। 12 से 14 दिनों में जो लार्वा होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। लार्वा नरमे के फूलों के अंदर रहते हैं, वो फूल को अंदर से बंद कर लेते हैं और फूल के अंदर का जो भाग होता है उसको खाकर नष्ट कर देती है। इसके बाद लार्वा प्यूपा अवस्था में बदल जाते हैं। प्यूपा अवस्था एक नुकसान तो नहीं पहुँचाती है और इसके जो प्यूपा अवस्था क्या होती है, जो जैसे लकड़ियों का ढेर पड़ा है उनके अंदर जमीन के अंदर रहती है और सही वातावरण मिलने पर वो प्यूपा अवस्था वयस्क में प्रौढ़ में बदल जाती है। दूसरी बार जब हम एक बार नरमे की चुनाई कर लेते हैं तब अटैक करती है, इसलिए हमें समय रहते इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। किसान साथियों आपकी फसल लगभग 2 महीने की हो चुकी है और 30 से 40 फूल आ चुके हैं, गुलाबी का सुंडी का जो अटैक है बहुत कम है, तो आपको क्या करना है, 60 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से जो इमामेगिन बेंजोएट 5% आती है वो, और साथ में क्या करना है जो नीम ऑयल आता है वो 4 ml प्रति लीटर वाटर के हिसाब से आपको मिलाकर स्प्रे करनी है। पानी आप अपने हिसाब से जितना पानी एक बीघे में गिरता है उसी हिसाब से ले लेना है और उसकी स्प्रे करनी है और इसी स्प्रे को आप 10 दिन बाद फिर से दोहराना है। और जो क्या है, जो इमामेगिन बेंजोएट होती है वो क्या करती है, जो पिंक बोलवर्म के जो अंडे होते हैं उनको नष्ट कर देती है और नीम ऑयल पूरे पौधे को कड़वा कर देते हैं और इसके जो वयस्क होते हैं उसके ऊपर नहीं बैठते हैं और ऊपर नहीं बैठते तो अंडे भी नहीं देंगे, इसलिए हमारी फसल गुलाबी सुंडी के प्रकोप से बच सकती है। तो किसान साथियों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।